हाँ जी, तो लास्ट टॉपिक है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो जरा क्या चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या काम किया था कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर जॉब वन एम वे से कर सकते हैं एंड जॉब टू एन वे से कर सकते हैं, तो इनका और का जो मेथड होगा, आइदर जॉब वन करनी है और जॉब टू करनी है, तो दैट वुड बी एम प्लस एन वे। सिमिलरली, अगर जॉब वन हमें एम वेज में हम कर सकते हैं, जॉब टू हम एन वेज में कर सकते हैं, अब मेरे को जॉब वन भी करनी है एंड जॉब टू करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी एम इन टू। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को यूज करके, ठीक है, हम जो बेसिक क्वेश्चन थे पहले वो करते थे, बेसिक फिलिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे अब वो बोल रहा है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है हमें। ठीक है, 4 डिजिट नंबर यूजिंग लेट से 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम 0 को छोड़ के बाकी सारे के सारे डिजिट्स पुट कर सकते हैं, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी 6, राइट? अब यहाँ पे, अच्छा, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक? तो अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, जो ऑलरेडी एक नंबर कर लिया, फिट कर लिया, उसको छोड़ के बाकी 5 बचे, प्लस 0 कर लिया, तो इधर 6 आ गए। तो ऐसे इधर 5 आ जाएंगे, इधर 4 आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, अब देखो 4 डिजिट नंबर बनाना है तो हमें ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वुड बी, टोटल नंबर ऑफ जो लेट बनेंगे हमारे नंबर्स वुड बी 6 × 6 × 5 × 4। ठीक, इस तरीके से आ जाए। तो ये बहुत सिंपल सा इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, देन इसी को यूज करके हम एन पी आर की डेफिनेशन को डिराइव करते हैं, तो दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसी को यूज करके हम इसको डिराइव करते हैं, तो दैट इज एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर। नाउ व्हाट इज एन पी आर? ठीक है, तो एन पी आर क्या होता है, बेसिकली परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। ठीक है, तो परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स का क्या जाएगा हमारा टोटल, दैट इज एन पी आर, तो दैट इज एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, एंड उसके टोटल नंबर ऑफ वेज रहेंगे ये। ठीक है, वी हैव टू अज्यूम दैट कि जो एन गिवन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमें पकड़ के परमुटेट करना है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी एन पी आर। ठीक है, अच्छा, तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ही फिर हमने ये देखा था कि एन पी, एन का मतलब क्या होता है, परमुटेटिंग एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट्स में से पकड़ के एन ऑब्जेक्ट्स को हमें परमुटेट करना। ठीक है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने जाएंगे, दैट इज एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल, तो दैट इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल। इसका मतलब एक्चुअली में होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको टोटल नंबर ऑफ वेज कितने लगते हैं, दैट इज एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो दैट वुड बी एन पी एन। अगर अज्यूम करो हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन चीजों को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। चार चीजें हैं, चार चीजों को अरेंज करना आपस में तरीका हो जाएगा, 3 या 4 फैक्टोरियल। 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपस में अरेंज करना, तो 10 फैक्टोरियल, ऐसा। ठीक है, अच्छा, देन इसके बाद था हमारा कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच सम आर अलाइक। ठीक है, तो हम, ये तो है एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका, दैट इज एन फैक्टोरियल। लेकिन अगर कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से, जैसे ए ए ए बी 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 सी सी डी, राइट, अब इनकी टोटल अरेंजमेंट करनी है, तो क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इट डज नॉट मैटर वो
डिस्टिंक्ट है या सेम है डिज नॉट मैटर, दैट वुड बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ए के लिए 4 आ गया तो 4 फैक्टोरियल, बी के लिए 3 आ गया तो 3 फैक्टोरियल, सी के लिए 2 आ गया तो 2 फैक्टोरियल, डी के लिए 1 है तो 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ बता देंगे, तो जो चीज़ जितनी बार रिपीट करिए उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक परम्यूटेशन था। इसके अंडर लास्ट में हमारा आता है डिक्शनरी अरेंजमेंट। डिक्शनरी अरेंजमेंट के अंदर दो टाइप ऑफ केसेस आते हैं तुम्हारे। फर्स्ट के अंदर इफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स आते हैं, ठीक है ना, ठीक है, लेट्स से वर्ड इज डस्टबिन, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसके लेटर्स को अरेंज करके हमने जितने भी पॉसिबल लेटर वर्ड्स हैं वो बनाए अरेंज कर करके। पहली बात तो कितने आते हैं, 7 लेटर में 7 को अरेंज करके 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि देन फाइंड द वर्ड एट 817th पोजीशन, ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ INTSBUD, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा 7 फैक्टोरियल होता कितना, तो 5 फैक्टोरियल इज 120 इंटू 6 इंटू 7, तो दैट इज 720 इंटू सॉरी 7, ठीक है। तो 0, 7 टू द 14, 7 7 द 15, 49 प्लस 150, ठीक है। तो ये जाएगा, तो टोटल इतनी पोजीशन बनेंगी। इनमें से जो 817 पोजीशन पर वर्ड आएगा वो क्या आएगा, तो सबसे पहले हमने इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बी, फिर आएगा डी, फिर आएगा आई, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल ये 7 के 7 लेटर आ गए। अब ध्यान से देखो, बी को टोटल 7 लेटर वर्ड है, तो बी से स्टार्ट करके हमारे 6 फैक्टोरियल केसेस आएंगे, राइट। तो 6 फैक्टोरियल 720, राइट। अच्छा, अब है हमें 817 पोजीशन पे जाना, राइट, इसके अंदर 720 पोजीशन तो चलेगी। तो अगला जो आएगा डी, डी को रख के भी कितने आएंगे, दैट इज 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल केसेस कौन से होंगे हमारे, दैट इज 721 से लेके जो जिनकी पोजीशन इसके एडजस्ट अगली वाली से शुरू हो रही है, दैट इज 721 से लेके अगली पोजीशन कहां तक जाएगी, 720 ऐड करेंगे तो दैट इज 1440 तक जाएगी। तो इसके बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल, तो हमने डी को फिक्स कर दिया पहली बात, ठीक है। तो डी को इधर फिक्स कर दिया। अब इसके अंदर देखना हमें, तो टोटल हमने ये देखा, देखो ध्यान से, ये हटा दो, इसी के अंदर हमें जाना है, ठीक है। तो डी को हमने फिक्स कर लिया। अब सबसे पहले क्या आएगा, बी, फिर आएगा आई, फिर आएगा एन, फिर एस एंड सो ऑन। अब बी को रख के कितने आ जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120, राइट। तो टोटल कितने चले गए अभी तक, 840, राइट, 840। हमें तो 817 यानी कि इन्हीं के अंदर अंदर से हमें कोई ना कोई मिलेगा, तो इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इधर हमने बी को भी फिक्स कर दिया, तो बी भी फिक्स हो गया। अब बाकी बचे हमारे पास इन पांचों के अंदर से अरेंज करना, यानी कि इन्हीं के अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो इसको फिर यहीं पे छोड़ दो, बी को फिक्स कर दिया। फिर आई को इधर रख के कितने आएंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक, तो दैट इज 24। फिर एन को रख के आएंगे 24, फिर एस को रख के आएंगे 24, ठीक, एंड देन टी को रख के 24, ठीक, एंड देन यू को रख के 24। अब ध्यान से देखो जरा, अब ये टोटल आ गए 96, राइट। तो 720 प्लस 96, दैट इज 6 एंड 11 एंड 8, तो यहाँ पे 816 लेटर्स टोटल वर्ड्स जो है ये खत्म हो गए। तो यानी कि हमें 817th पे जाना है, तो दैट वुड बी यू से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट जो वर्ड आएगा वो हमारा आंसर है। तो यू से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट, यानी कि यू को भी फिक्स कर दो, यू भी फिक्स हो गया। अब इससे स्टार्ट होने वाला डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, सबसे पहले आई फिल होगा, राइट, फिर एन आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। तो यानी कि हमारा वर्ड क्या बना, डी बी यू आई, डी बी यू आई एन एस टी, दिस इज द वर्ड
विच इज एट 817th पोजिशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें एक पर्टिकुलर वर्ड की पोजिशन ढूंढनी है, हाँ जी, तो अभी देखो जरा, हमें इस वर्ड की पोजिशन चाहिए। ठीक है, इस वर्ड की पोजिशन चाहिए और हमारे पास डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली डस्टबिन के जो वर्ड्स हैं वो ये हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले बी से स्टार्ट होने वाले 7 factorial वर्ड्स आएंगे, डी से स्टार्ट होने वाले 7 factorial वर्ड्स आएंगे, फिर आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड चाहिए, तो आई को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, आई को फिक्स कर दिया, फिर सबसे पहले बी को स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे 6 factorial, फिर आएगा डी से स्टार्ट होने वाले 6 factorial, फिर एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे और एन हमें चाहिए, तो एन को फिक्स कर दिया, आई एंड एन फिक्स हो गए। ठीक है, तो उसके बाद फिर अभी तक कितना आ गया, 2 × 7 factorial प्लस 2 × 6 factorial, अभी तक ये आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद एन को फिक्स कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर आएगा बी से स्टार्ट होने वाले 5 factorial वर्ड्स, फिर डी से स्टार्ट होने वाले 5 factorial वर्ड्स, फिर एस से स्टार्ट होने वाले 5 factorial वर्ड्स एंड टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, और टी को हमने फिर फिक्स कर दिया। ठीक, क्योंकि हमें टी चाहिए अभी। ठीक है, तो फिर टी को भी हमने फिक्स कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद तो और कितने आ गए, 3 × 5 factorial। ठीक है, फिर टी को जैसे फिक्स कर दिया हमने, ठीक, ध्यान से देखो, आगे 4 को और फिक्स करना है हमें, तो बी डी एस एंड यू, तो पहले बी को रखा, हमें जो वर्ड चाहिए उसके अंदर एस चाहिए, तो बी को रख के 3 factorial, डी को रख के 3 factorial, फिर एस को फिक्स कर दिया क्योंकि एस ही हमें चाहिए। ठीक, तो आगे 3, तो एस को भी फिक्स कर दिया अभी हमें। ठीक है, फिर सबसे पहले आएगा हमारा बी, और बी चाहिए हमें, तो बी को फिक्स कर दिया, राइट। फिर आगे 2 हैं, फिर आएगा तुम्हारा डी यू एंड यू डी, हमें चाहिए यू डी, तो ये 2 पोजीशंस आ गई, तो 3 factorial का 2 आ जाएगा, तो 2 × 3 factorial प्लस 2, तो दैट विल बी द फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो अभी हमने 7 factorial निकाला था। ठीक है, तो दैट इज 120 × 5 factorial था, 6 factorial × 6 करके हमारा क्या चीज आ गई थी, 720, सो दिस इज 6 factorial। ठीक है, तो 7 factorial क्या जा रहा था, × 7, टोटल 7 factorial जाएगा, 6 factorial जाएगा, नहीं, बी को रख के 6 factorial आएगा ना स्टार्टिंग में, बिल्कुल, क्योंकि बी को रख के बाकी 6 बचे ना हमारे पास, तो ये गलती कर रहे थे, ये 6 factorial आएगा, ये 6 factorial आएगा, इधर 5 factorial 5 factorial एंड इधर 4 factorial 4 factorial 4 factorial। ठीक है, बाकी 3 आएगा, तो ये 6 आएगा, ये 5 आएगा एंड ये 4 factorial आएगा। ठीक है, तो 6 factorial कितना आ जाएगा, 720, तो 2 × 720 प्लस 2 × 120 प्लस 3 × 24 प्लस 3 2 का होता है 3 factorial 6, 6 × 2 12 प्लस 2। ठीक है, तो ये चला जाएगा 1440 प्लस 120 × 2 240 प्लस 24 × 2 × 3 72 एंड 12 एंड 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 एंड ये आ जाएगा 8 to the 16। ठीक, एंड ये आ जाएगा 7 एंड 1, तो फाइनल आंसर है 1766। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, क्लियर हुआ शुभे? राइट, ओके ओके। अब एक ऐसा वर्ड लेते हैं जिसके अंदर कुछ चीजें रिपीट कर रही हैं, ठीक है, जैसे ए जी ए आई एन, तो इसके अंदर अब अगर पोजीशन वगैरह ढूंढनी है हमें, राइट, तो पोजीशन ढूंढने का अब इसके अंदर तरीका क्या रहेगा कि जैसे मान लो इसको पहले तो टोटल अरेंज करके कितनी पोजीशंस बनेंगी हमारी, दैट इज 5 factorial by 2 factorial, दैट इज 60। तो लेट्स से वो बोल रहा है 37th पोजीशन पे कौन सा रहेगा वो बताओ, ठीक है, तो चलो 39th पोजीशन पे क्या रहेगा ये बताओ फर्स्ट, एंड सेकंड इज आई ए एन जी ए, इसकी पोजीशन क्या रहेगी ये बताओ। ठीक है, तो करने का देखियो मेथड सेम रहेगा, पहले हमने 5 लिए, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली पहले ए आ गया, फिर जी आई एन एंड ए दो बार आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक एक करके फिलिंग की, तो पहले इधर आ गया ए, इधर ए के आ गया, तो बाकी इधर ए जी आई एन को
अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल केसेस आ जाएंगे, तो दैट इज 24। ठीक है, फिर यहाँ पे जी आएगा, तो जी को इधर रख के हमारे केसेस कितने आएंगे, डबल ए आई एन को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो दैट इज 12 केसेस। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए अभी तक, 36, और हमें जाना है 39 पोजीशन पे, तो ए एन जी दोनों निकल जाएंगे। फिर आएगा आई को इधर फिक्स करके, तो आई को इधर फिक्स करके आएंगे हमारे डबल ए जी एन को अरेंज करके 12 केसेस, तो वही उन्हीं 12 केसेस में से हमारा 39 पोजीशन आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमने फिर इधर ए को फिक्स किया, ए को फिक्स किया तो हमारे पास क्या बचा, ए जी एन, ए जी एन को इधर अरेंज करके क्या कितने केसेस आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, तो दैट इज 6 केसेस, तो 6 को इधर ऐड करो 42, तो यानी कि उन्हीं पोजिशन के अंदर से 39 आएगा, यानी कि ए को भी फिक्स कर दो इधर। अब हमारे पास क्या बचा, ए जी एंड एन, तो सबसे पहले इधर ए को फिक्स किया, इधर 2 केसेस आ जाएंगे जी एन एंड एन जी, फिर यहाँ पे जी को फिक्स किया तो हमारे पास एक केस आ जाएगा ए एन 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 ए। अब देखो 36 37 38, तो इसके 38 केसेस, एंड दिस इज 39, तो 39 पोजीशन पे कौन सा वर्ड आ रहा है, आई ए ए, ठीक है, आई डबल ए, सॉरी 39th इज दिस, तो आई ए जी ए एन, ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड आ जाएगा। हमें स्टेप बाय स्टेप ही इसके अंदर चलना पड़ता है, इसके अंदर रोके मेथड नहीं है। ठीक है, देन इसकी पोजीशन ढूंढनी है। ठीक है, इसकी पोजीशन ढूंढने के लिए अगेन हमने क्या किया, इसको डिक्शनरी वाले को पकड़ा, ठीक है, एंड 1 2 3 4 5, ठीक है, तो अभी हमें कौन सा वर्ड चाहिए जिसकी पोजीशन निकालनी है, ठीक है, ये तो सबसे पहले ए इधर ए को रख के इधर कितने आएंगे 4 फैक्टोरियल केसेस, फिर जी को रख के आएंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल केसेस, फिर आई को इधर फिक्स कर दिया, ठीक है, आई फिक्स हो गया, सॉरी, हाँ जी, आई फिक्स हो गया, देन इज फिर ए को इधर फिक्स किया, फिर इधर आएगा ए जी एन को अरेंज करके 3 फैक्टोरियल केसेस, हमें ए को इधर फिक्स करना है, तो ए को भी फिक्स कर दिया हमने, एक सिंगल ए को फिक्स कर दिया, अभी भी एक ए बचा हुआ, तो हमारे पास ए जी एन बचा। ठीक, पहले ए को रख के 2 फैक्टोरियल केसेस आएंगे, फिर जी को रख के 2 फैक्टोरियल केसेस आएंगे, फिर एन को रख के केसेस आएंगे, तो यानी कि ये 2 केसेस भी आ गए, क्योंकि एन चाहिए हमें, तो एन को फिक्स कर दिया, बाकी बचा ए जी, तो पहले आएगा ए जी, फिर आएगा जी ए, यानी कि ये 2 केसेस आएंगे, क्योंकि ये पोजीशन हमें चाहिए, तो आई ए एन जी ए ये चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने आ गए, 4 फैक्टोरियल 24 सबसे पहले, प्लस फिर ये 12 केसेस, प्लस ये 4 केसेस, प्लस और ये 2 केसेस, तो टोटल कितना चला गया हमारा, दैट इज दिस इज 18 18 एंड 24 42, तो यानी कि इसकी पोजीशन जो आएगी वो आएगी 42nd पोजीशन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। प्रणव, राजवीर, सारिशा, सूर्यांश, क्लियर है, शौर्य, शुभी, तुषार, क्रिश, कोई डाउट तो नहीं इसमें, नो सर, क्लियर है। रहमान, अर्पित, अशिया, गुरकिरत, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देन देखिए इसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन के अंदर फॉर्मूला जो है, रिलेशन जो है, वो क्या चीज होती है, दैट इज परमुटेशन, जो हमने अभी किया था, दैट इज एन पी आर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट। ठीक, तो आर चीजों को पिक करने का, कंबाइन करने का तरीका क्या होगा, एन सी आर, एंड अरेंजमेंट तो मल्टीप्लाई बाय, आर चीजों को अरेंज करने का तरीका आर फैक्टोरियल, तो यहां से हमें एन सी आर का एंड एन पी आर का रिलेशन मिला, That is permutation is nothing but combination and arrangement. NCR का फॉर्मूला क्या जाएगा, NPR का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, तो NPR का फॉर्मूला क्या जाता है, N फैक्टोरियल बाय N माइनस R फैक्टोरियल, तो डिवाइडेड बाय एक और R फैक्टोरियल आ जाएगा, तो दिस विल बी आर NCR का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक तो ये चीज चली गई, देन अगर सिर्फ चीजों को चूज करना है तो जाके हम ये चीज लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, एक्चुअली में चूज जो करना है, PNC का कॉम्बिनेशन आता है जनरली, कि चूज भी करना है एंड देन अरेंजमेंट करना। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि लेट्स से वी हैव 10 ऑब्जेक्ट्स, ठीक, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, अच्छा
four objects. Out of these, 10 are to be arranged. Find the number of ways if a particular object is always to be included, and if a particular object is always excluded. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो जरा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमेशा इंक्लूड करना ही करना है, तो 10 में से 4 को चूज करना है, राइट? तो वो जो एक पर्टिकुलर, उसको तो हमेशा हमने चूज कर लिया, राइट? तो एक ऑलरेडी चूजन है, तो बाकी जो रिमेनिंग 9 होंगे उनमें से रिमेनिंग 3 को चूज करना रहेगा, तो 9C3। तो एक ऑलरेडी था, 9 में से 3 को चूज कर लिया, तो टोटल हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब उन चारों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा इस केस में, दैट इज दिस। 1 ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको चूज करने की जरूरत नहीं है, 9C3, बाकी 3 को चूज करने का तरीका, तो टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब उन चारों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि इफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर टू बी चूजन, अब उसको कभी चूज नहीं करना है, तो अगर उस चीज को कभी भी चूज नहीं करना है तो हम क्या मेथड करेंगे, ठीक? तो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि 10 में से उसको हटा दो, तो बाकी बचे 9 में से 4 ऑब्जेक्ट्स को चूज करके अरेंज कर दो, तो दैट वुड बी 9P4। ठीक है, ये चीज आ जाती है। तो अच्छा, इसके अलावा हमने एक और चीज की थी जिसको हमने नाम दिया था गैप मेथड। एंड टाइम मेथड। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था गैप मेथड एंड टाइम मेथड। अब गैप मेथड एंड टाइम मेथड क्या चीजें हैं? ठीक है, तो अगर मान लो कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमेशा इकट्ठे रखना है, मान लो वो क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, इनको अरेंज करना है सच दैट ए बी सी आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, नाउ अगर ए बी सी आर ऑलवेज टुगेदर, तो उनको हम टाई करके रखेंगे एंड उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान के देंगे, तो टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, एक सिंगल DEFGH 1 2 3 4 5 6। तो इनको अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, लेकिन ABC हमेशा इकट्ठा रहेगा, लेकिन ये आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है, इसलिए उसके लिए क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो टोटल आंसर जाएगा जी, तो ये होता है हमारा टाइम मेथड, जिसके अंदर हम जिन चीजों को इकट्ठा रखना होता है उनको हमेशा हम बांध के रखते हैं इकट्ठा। ठीक, देन आता है हमारा गैप मेथड। अब गैप मेथड के अंदर क्या चीज आएगी, ठीक, कि जिनको कभी भी इकट्ठा नहीं रखना है तो उनका, ठीक, कि अरेंज सेम चीज है, ठीक, A, B, C, D, E, F, G, and H. Now arrange these such that, ठीक, no two of ABC are together. No two of ABC are together. ठीक, तो in that case हम क्या करेंगे, बाकियों को अरेंज करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो D, E, F, G, H, इनको अरेंज करने का तरीका 5 factorial. अब इनके आप बीच में जो गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक, कहाँ कहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6, इन 6 गैप्स में से कहीं पर भी 3 जगह पे एबीसी को बिठा दो, तो 6E3, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा कि अगर मैं एबीसी को इधर भी बिठा रहा हूं, तब भी उनके बीच में ई एंड एफ आएगा, तो यानी कि कभी भी वो इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक चीज आती है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच अरेंज such that all A, B, C are not together. अब सारे के सारे A, B, C इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब दो ही इकट्ठे हो सकते हैं, तो इसके क्या आंसर आता है, टोटल माइनस वो जिनके अंदर A, B, C are together. ठीक है, तो ये केसेस, तो टोटल केसेस इनको अरेंज करने के कितने आ जाएंगे, दैट इज 8 फैक्टोरियल माइनस, अब एबीसी को इकट्ठा रख के कितने केसेस आ जाएंगे, अभी हमने किया था 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन व्हिच एबीसी आर नॉट ऑल टुगेदर, बट हाँ कुछ इकट्ठे हो सकते हैं वो चलेगा। ठीक है, तो दिस इज आर टोटल ईएमसी। ठीक है, इसी के रिलेटेड अभी मैं कुछ क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ जी, देखो जरा ये क्वेश्चन ध्यान से करना।
डिक्शनरी वाला ही है, ठीक है, वर्ड है रैंडम, तो इसको अरेंज करना है, ठीक है, एंड फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम, रैंडम वर्ड का रैंक निकालना है, ठीक है, जल्दी स्टार्ट कर दो, मैं और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जल्दी। हाँ जी ध्यान से करना। हाँ जी, तो देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर रैंडम वर्ड की हमने पोजीशन निकालनी है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले ए आ जाएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली, इसके वर्ड्स को देखा, डी, ये आ जाएगा, ठीक है, ये एन है, ठीक। तो सबसे पहले हमें ए से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल, डी से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल, एम से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल, एन से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल, ठीक है, देन डी से, सॉरी, ओ से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल, देन आर को फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, तो 5 × 5 फैक्टोरियल, फिर आर को फिक्स कर दिया, फिर रैंडम चाहिए तो ए को फिक्स कर दिया हमने, फिर आएगा डी को स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टोरियल, एम से स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टोरियल, एन से स्टार्ट होने वाले आर ए एनी चाहिए, ठीक, तो एन को फिर फिक्स कर दिया, फिर उसके बाद आएगा डी को रख के, डी चाहिए हमें तो डी को फिक्स कर दिया, ठीक है, पहले आएगा एम ओ फिर आएगा ओ एम, तो इसके लिए 2 केसेस हमारे टोटल कितने बने, 5 × 5 फैक्टोरियल प्लस 3 × 2, सॉरी 2 × 3 फैक्टोरियल प्लस 2, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, 120 × 5 600 प्लस 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 × 12 प्लस 2, तो आ जाएगा 614। प्लीज कंफर्म करो क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, शुभी मैच कर रहा है आंसर, राइट राइट। अगला देखो, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। अब देखो, डिविजिबल बाय 10 अगर होना है तो लास्ट वाला डिजिट 0 ही होना चाहिए, यानी कि 0 को इधर फिक्स कर दिया। अब बाकी पांचों को पकड़ के कैसे भी अरेंज कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर क्या है, 5 फैक्टोरियल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है, प्रणव क्लियर हो रहा है, यस सर, लावण्या, अर्पित, अरमान, राजवीर, यस सर, शौर्य, तुषार, क्रिश, क्लियर है, राइट राइट। अच्छा लास्ट देखो जरा, How many numbers are there between 100 and 1000 such that at least one of their digit is 7? ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, अब कम से कम एक डिजिट, at least one of the digit is 7, one of their digit is 7. तो देखो, या तो 3 7 आएंगे, या तो 2 7 आएंगे, या तो 1 7 आएगा, या तो 9 7 आएगा, ये टोटल मिला के नंबर्स बन जाएंगे हमारे 100 टू 1000 के बीच में, that is 3 digit number, जो basically 3 digit number, right? तो दिस आर टोटल 3 डिजिट नंबर। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनको ढूंढने के लिए हम टोटल 3 डिजिट नंबर माइनस वो वाले नंबर्स कर सकते हैं जिनके अंदर कोई भी हमारा 7 नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहली बात तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं हमारे, 1 2 3, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर अगर हमें चाहिए तो इधर आ जाएंगे 9 केसेस, अब इधर 0 आ सकता है तो 9 केसेस नहीं, इधर 10 केसेस ना, रेपिटेशन तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, तो टोटल 900 केसेस है। अब इसमें से 7 बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए तो 8 × 9 × 9 बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो कितने केसेस आ जाएंगे हमारे, 648, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 252 केसेस। तो दीज आर द नंबर ऑफ नंबर्स
which are between 100 and 1000 such that iske andar at least one of the digit is 7. Haan ji, please confirm karo, clear hai? Isme doubt to nahi koi? राइट ठीक है ठीक है ठीक है चलो ये टॉपिक को भी यहीं पे खत्म करते हैं एंड वी आर डन विद द रिवीजन बाय द वे ठीक चलो